Assalamualaikum students, how are you? Class 4. Now get ready for chapter 2 and lecture 3. Previous class में जो आप लोगों ने किया था वो multiplication by tables का किया था. अब है multiplication by a one digits number. अब इसमें देखते हैं कि हम क्या learn करेंगे. ठीक है, तो book open कर लीजिए. Page number है आपका 35. Worksheet number 3 है. Question number 1 है multiply. ए लिखा हुआ है 3213 21 को 9 से मल्टीप्लाई करना है. तो देखें पहले 9 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ेंगे, 9 वन ज़ा 9 आ गया. ठीक है, अब 9 का टेबल फिर 2 से पढ़ेंगे तो 2 9 ज़ा भी आप पढ़ सकते हैं और 9 2 ज़ा भी पढ़ सकते हैं. तो 9 2 ज़ा 18 18 अब हम पूरा नहीं लिखेंगे क्योंकि आगे हमारे पास नंबर है तो उस पर कैरी जाएगा. 9 2 ज़ा 18 8 हमने यहाँ लिखा और 1 कैरी दिया. फिर 3 का टेबल 9 तक पढ़ लें, 9 का टेबल 3 तक पढ़े तो 9 3 ज़ा 27 और जो कैरी है वो उसमें क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है. ये क्वेश्चन आप लोग ने क्लास 3 में भी डन किए हुए हैं लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग टेबल बहुत अच्छे से याद हो. मैंने ऑनलाइन क्लास में आपको बताया भी था कि आप लोग टेबल लर्न करें जब तक ये क्वेश्चन नहीं होंगे, जब तक आप लोग को टेबल नहीं आएंगे. तो अब देखिए 9 3 ज़ा 21 21 ने 1 प्लस किया 28. ठीक है, बी भी मैंने आपको इसका बता रही हूँ. बी है 146 को 8 से मल्टीप्लाई करना है. अब 6 8 ज़ा पढ़ लें, अगर 6 का टेबल याद है तो 8 6 ज़ा पढ़ लें. 8 6 ज़ा 48 होता है, 48 का 8 यहाँ पे आया और 4 कैरी गया है. ठीक है, अब 4 8 ज़ा या 8 4 ज़ा, तो 8 4 ज़ा 32 होता है. 32 में आप कितने प्लस करेंगे, जो भी कैरी आता है उसमें आप प्लस करते हैं. ठीक है, 32 के बाद 33 34 35 36 6 यहाँ पे लिखेंगे, आगे फिर कैरी देंगे 3. अब 8 1 ज़ा 8 8 के बाद 3 प्लस करें 9 10 11. अब हम पूरा 11 लिख देंगे क्योंकि आगे हमारे पास कोई नंबर नहीं, अगर आगे नंबर होता तो हम जब भी फिर उस पर कैरी देते. ठीक है स्टूडेंट, इसके रिमेनिंग पार्ट ऑफ होमवर्क में करेंगे. अब नेक्स्ट पेज का इसी पेज का क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग शो योर वर्किंग केयरली. ठीक है, ए है 408 को 8 से करना है. अब साइड पे आपको इसकी वर्किंग करनी है. अब इसी तरह से हम नंबर्स उतारेंगे, गैप करके नीचे उसके 8 लिखेंगे. अब 8 का टेबल 8 तक पढ़ेंगे. 8 8 ज़ा 64, तो हमने 4 लिखा और 6 कैरी देंगे यहाँ पे. ठीक है, अब 8 0 0 हो जाएगा, जो कैरी दिया है वो एज इट इज़ नीचे आ जाएगा 6. अब 8 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे. 4 8 ज़ा 32, आ गया हमारे पास कोई नंबर नहीं था तो हमने इसको कैरी नहीं दिया, पूरा नंबर लिखा है 32. ठीक है, इसके भी रिमेनिंग पार्ट ऑफ होमवर्क में करेंगे. अब है डू पेज नंबर 36 और क्वेश्चन है 3 मल्टीप्लाई. चेक योर आंसर आर रिस्पॉन्सिबल. ठीक है, आप अपना आंसर खुद चेक करेंगे, उसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे. क्वेश्चन नंबर 1 है 2439 2439 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे. अब 5 का टेबल पहले आप 9 तक पढ़ेंगे. 5 9 ज़ा 45, 5 यहाँ आया 4 कैरी दिया. 5 3 ज़ा 15, 15 में 4 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 19, 9 यहाँ लिखा 1 कैरी दिया. 4 5 ज़ा 20, 20 में 1 प्लस किया 21, तो 2 1 यहाँ पे लिखा और 2 कैरी दिया. 5 4 5 2 ज़ा 10, 10 में 2 प्लस करेंगे तो 12, तो ये हो गया 12,195. ये 4 डिजिट्स का था. ठीक है, लेकिन करेंगे रूल सारे वैसे होते हैं, चाहे 2 डिजिट्स का हो या 3 या 4 या 5 का. अब बी आपका 6508 को आप करेंगे 7 से. अब 7 का टेबल 8 तक पड़ी है. 7 8 ज़ा 56, तो 6 आ गया, 5 कैरी दिया. 0 को जब भी हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं हमारा आंसर क्या आता है, 0 ही आता है. तो 7 0 0, लेकिन इसके ऊपर कैरी क्या है, 5, तो 5 कैरी ऐसे ही आ जाएगा. अब 7 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे. 5 7 ज़ा 35, 5 आया और 3 कैरी दिया है. अब 7 का टेबल 6 तक पढ़ेंगे. 7 6 ज़ा 42, 42 में आप 3 प्लस करें 43 44 एंड 45, तो इसका आंसर आया 45,556. ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा. इसके रिमेनिंग पार्ट भी आप होमवर्क में करेंगे. अब आपका होमवर्क पेज है वो है डू पेज नंबर 35, क्वेश्चन 1 का CD पार्ट है. डू पेज नंबर 35 का ही है क्वेश्चन 2 का बी पार्ट है. डू पेज नंबर 36 का क्वेश्चन 3 का CD पार्ट है और डू पेज नंबर 37 4 ए बुक में करना है. ठीक है, ये सारा होमवर्क आप बुक में डन करेंगे और इसकी समेशन जो है आप लोग थर्सडे को बुक्स अपनी स्कूल में चेकिंग के लिए दे दीजिएगा. और अगर कोई भी इसमें पॉइंट क्लियर ना हो रहा हो तो मेरी बाबा वीडियोस देखिएगा. ठीक है, आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे. अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे. स्टे सेफ, स्टे होम.